नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस माड़ी आसुच्छे बात्या गुलाब आज गोपालपुर व कलिंगपाटना मध्यम लैंडफॉल संभावना दक्षिण ओडिशार सात जिले में बढ़ला सतर्कता गंजाम और गजपति में पड़ सर्वाधिक प्रभाव 70-80 किलोमीटर बेगर पवन बहवा आशंका संभाव्य बात्या मुकाबला पर प्रस्तुति जातीय विपर्जय परिचालना कमिटी बैठक में समीक्षा कले केन्द्र कैबिनेट सचिव राजीव गौबा दक्षिण ओडिशार सात जिले में ओड्राफ एनडीआरएफ और अग्निशम टीम मुतयन लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने को निर्देश विश्वर महामंचर आतंकी को कड़ा संदेश परोक्ष पाकिस्तान को टार्गेट आतंकवादी व्यवहार कले देवाक पड़े बहुमूल्य यूएन अधिवेशन को संबोधित करी कहिले मोदी भारत प्रगति ही विश्वर प्रगति विश्व दरबार में खोलिला पाकिस्तान मुखा जातिसंघर 76वां साधारण सभारे पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे भारत प्रथम महिला सचिव आईएफएस अधिकारी स्नेहा दुबे को नहीं चारिड़े चर्चा बरगढ़ पुलिस हेफाजत में युवकों मृत्यु घटना जातीय मानवाधिकार कमिशन द्वारा करदंत जिला बाहर पुलिस अधिकारी हेबे सामिल पश्चिमांचल डीआईजी जयनारायण पंकज का सूचना सेपटे कड़ा कार्यानुष्ठान दावी कले परिवार लोके तालिबान को अफगानी झीर खोला चैलेंज स्कूल जीवार वंचित झीवों असंतोष नेला भयंकर रूप पाठ पढ़ाप छोट झीर जुक्ति को सोशल मीडिया रे सवासी आज संपूर्ण खबर को बात्यार रूप नहीं बंगोपसगर सृष्ट घूर्णिबलय धीरे धीरे बात्या गुलाब स्थलभाग आड़ मुहांता बेले दक्षिण ओडिशार जिलागुड़ी सतर्क सूचना जारी करा जाए आज संध्या सुधा कलिंगपाटनम और गोपालपुर मध्य स्थलभाग छुईब सामुद्रिक झड़ गुलाब यही समय गंजाम और गजपति जिले में यार सर्वाधिक प्रभाव रही दुई जिला रेड वार्निंग जारी कर पानीपाग विभाग स्थलभाग छुईवा समय प्रबल वर्षा सह पवन बेग घंटा प्रति 70-80 किलोमीटर बेगर रशंका सेपरी पुरी खोर्धा कोरापुट और रायगड़ा जिले में मध्य बात्या गुलाब प्रभाव देखा मिले यही जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करा वर्षा और पवन जो कच्चा घर और कांथ भुशुड़ा सह गुड़ आशंका रही सेपरि बन्या परिस्थिति सृष्टि फसल नष्ट आशंका रही समय समुद्र शांत रहुतिबारु 27 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र को जिबाकु बारण करा जाइछि पारादीप धामरा बंदर में 3 नंबर सतर्क सूचना जारी करा जाइतिबा बळे गोपालपुर बंदर में 3 नंबर सतर्क सूचना जारी करा जाइछि आईएमडी रो सूचना अनुसार बात्या गुलाब वर्तमान गोपालपुर ठारु 350 किलोमीटर और कलिंगपाटनम ठारु 420 किलोमीटर दूर से रही यह घंटा प्रति 7 किलोमीटर बेगर आगो को बढ़ुछे जो हमारा डीप डिप्रेशन था वो साइक्लोन बा बता हुआ है अभी तो इसका 17:30 मीन्स हमारा इवनिंग टाइम में अभी 5:30 बजे इवनिंग टाइम में इसका साइक्लोन हुआ है साइक्लोन का नाम है गुलाब इसका लोकेशन गोपालपुर से आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 किलोमीटर दूर में है इसका मूवमेंट अभी नियरली वेस्टर्ली रहेगा और कलिंगपाटनम और गोपालपुर का बिटवीन में बीच में तो इसका प्रभाव में हम लोग ऑलरेडी जो वार्निंग दे चुका है हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ जिला में होगा मेनली साउदर्न जिला का है मलकानगिरी कोरापुट गड़ाईगरा गजपति गंजाम नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में है विंड मीन्स सबका स्ट्रांग सरफेस विंड जो है उस मेनली हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में इस गंजाम गजपति पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट में विंड का अलोंग द कोस्ट लाइन मेनली गंजाम आते हैं तो गंजाम में ज़्यादा विंड स्पीड होने का चांसेस है
बात्या गुलाब रो मुकाबला पर आरंभ होई प्रस्तुति। केन्द्र कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जातीय विपर्य परिचालना कमिटी एक बैठक डकाइले। बैठक में ओडिशा और आंध्रप्रदेश अधिकारी प्रस्तुतिर समीक्षा कर लोकों सुरक्षा नहीं किभली पदक्षेप ग्रहण कर संपर्क में आलोचना होता। दक्षिण ओडिशार सतट जिले में 42 ओड्राफ टीम 24 एनडीआरएफ टीम और 102 अग्निशम बाहिनी टीम मुतयन सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप कुमार जेना। एस बात्या अतिक्रम करने अंचल लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने को निर्देश दी। संभाव्य बात्या को दृष्टि रखि गजपति जिले में अफिसर छुट्टी बातिल करा जरूरीकालीन परिस्थितिर सामना करने अफिसर को हेडक्वार्टर्स रे रहिबा को निर्देश दी। वर्तमान सुधा गजपति जिलार विभिन्न ब्लक 586 लोकों बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतरित करपरी गंजाम जिला प्रशासन प्रस्तुति आरंभ कर समस्त बात्या आश्रयस्थल समेत स्कूल गृह कम्युनिटी हॉल गुड़िक प्रस्तुत रखापी सरकारी कर्मचारी को निर्देश देते गंजाम जिलापा समुद्र कूलिया और नदीकूलिया अंचल पर स्वतंत्र ध्यान देवा तहसीलदार मान विभिन्न स्थान में डाकबाजी जंत्र द्वारा लोकों सतर्क कर ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित गोपालपुर आम रिपोर्टर पीतांबर नाहक और कलिंगपाटनमर आम रिपोर्टर मनोज दास आम सहित जोड़ रही। प्रथम पीतांबर आप निकट को जीवाक चाहिए वर्तमान पाणीपाग से किभली देखुं बात्यार पूर्व प्रभाव किभली देखुं प्रशासन पक्ष कौन सब प्रस्तुति कर माधुरी निश्चित भाव कहीपर आज सका जेहेतु का संध्या बेले टिके झिपझिप वर्षा होता आज सका पांचटा समय वर्तमान वर्षा लग रही से वर्षा आस्ते आस्ते कि बढ़ुची जो भाई भाव में पांचटू छा जमीक वर्षा होता छटू सतटा व्यवधान में अधिक टिके वर्षा वर्तमान आम से चित्र देखा जो भाई भाव में वर्षा टिके टिके झिपझिप हो एवं सबुठ बड़ कथा हो गोपालपुर बंदर को आपड़ जमी कहते तीन नंबर संकेत जारी करा विशेष भाव जो मत्स्यजीवी माने वर्तमान गोपालपुर समुद्र भितर को जाते से माने वर्तमान आसुंच किंतु आम पापागर जो सूचना रोचे पूर्वानुमान रोचे जमती कि आज सका तमाम वर्षा लग र वर्तमान गोपालपुर बंदर ठू आरंभ करी मो सहयोगी जमती कलिंगपाटनम अच्छा पूरा कोस्टल एरिया संपूर्ण भाव वर्षा आरंभ हो सारी आपण को आम चित्र देखाइबू जे टिके समुद्र चित्र देखाइबू जो भाई भाव में समुद्र रे लहड़ीर दृश्य मध्य आज कि अलग किसी बयान करुच्छी जो भाई भाव में पाणी गोलिया होकर आसवा बर्तमान जी भी लहड़ी पखापाखि 5 मीटर 7 मीटर व्यवधान में आग को आसवा जो भाई भाव में सका सका आज पांचटा रु छा समय 5 रु 7 मीटर व्यवधान में लहड़ी आग को आसवा एवं वर्तमान पानी संपूर्ण भाव गोलिया हवा समुद्र पानी तो ए स्थिति निश्चित भाव पूर्वानुमान करुच्चे जो भाई भाव में गुलाबर जो गुलाब जो अतिक्रम करी पूर्वानुमान कर आ विशेष भाव माधुरी निश्चित भाव कहीपर गजपति जिला बा गंजाम जिला ए दुई जिला को जो भाई भाव में रेड वार्निंग जारी करा विपद संकेत गोटे वार्निंग जारी करा से क्षेत्र में जब देखा आपत कहते कि जिला प्रशासन पक्षर कौन कौन व्यवस्था कर जिला प्रशासन पक्षर जो भाई भाव में समस्त अधिकारी मानकर कार्यालय रे कौन सी अधिकारी आज छुट्टी हेबना अंपटे यू अधिकारी माने तदारख करेंगे विशेष भाव बीडीओ एवं तहसीलदार मानक गुरुदायित्व रो भाई भाव में प्रत्येक ब्लक विशेषकर जदि आंध्रा पटे अधिक वर्षा हुए तेबे निश्चित भाव गंजाम एवं गजपति ए दुई जिला को प्रभावित करपे अंपटे गंजाम गजपति जिले में जदि अधिक वर्षा हुए तेज निश्चित भाव प्रत्येक ब्लक जो ऋषिकुलिया नदी अच्छी वंशधारा नदी अच्छी से नदी गुड़िक विशेष भाव प्रभावित हुए तो ताकू दृष्टि रखिकी निश्चित भाव गंजाम जिला प्रशासन पक्षर पदक्षेप नि
जेउं जल संपद अधिकारी माने अछंती से माने वर्तमान ऋषिकुल्या नदी एवं गजपतिर जो वंशधारा नदी रही सेई दुई नदी को संपूर्ण भाव से मानकर नजर रखिजंती एवं जेउंठी पानी बढ़िब ताकु नेकी वर्तमान समय से माने संपूर्ण भाव खबर देबे लोकों को सचेतन करिबे। अन्य पटे इवाकुएसन प्रोसेस गोटे बड़ चैलेंज हेबो काहेकि ना जेउंभली भाव में इवाकुएसन प्रोसेस को नेकी गंजाम जिला प्रशासन तरफ जो पहाड़िया अंचल विशेष भाव गजपति एवं गंजाम सीमावर्ती अंचल पात्रपुर ब्लॉक बुराताल आंकुली पंचायत कहवा जलप्रपात तीन किलोमीटर दीर्घ जलप्रपात आरपटे लोक मैंने रही केमती एपट को अणाजी अंपटे सबू बात्या आश्रयस्थल को जो जो सामुद्रिक अंचल एवं नदीकूलिया अंचल बात्या आश्रयस्थल अच्छी सब बात्या आश्रयस्थल को संपूर्ण भाव पुनः प्रस्तुत करने निर्देश रही प्रशासन पक्ष संपूर्ण प्रस्तुति जोरदार करेतु बात्या धीरे धीरे स्थलभाग मुहां हो तो कोटना कोटि प्रशासन पक्ष जोरदार प्रस्तुति कलिंगपट्टनम जाठ रिपोर्टर मनोज दास। मनोज वर्तमान सेठाकर पाणीपाग कि देखुछंते निश्चित भाव में मधुर देखु गत काली मध्य रात्रि कलिंगपट्टनम लगातार जो लो प्रेशर को लेकिन वर्षा आरंभ हो लघुचाप को लेकिन आम आपको कलिंगपट्टनम सी बीच दृश्य देखा चाहूँ जो देखुपे जो उपकूलवर्ती समुद्र रही देखु लगातार लहड़ी उठवार लगी गत काली रात आम जहाँ जलस्तर इठिकार देखीलु जी बर्तमान आ सका सुधा जलस्तर अधिक रू अधिक बढ़िवार लगी पवन धीरे धीरे हबार लगी जहाँ पाणीपाग विभाग तरफ सूचना रही कि संध्या साढ़े पांच कलिंगपट्टनम थारु विशाखापट्टनम गोपालपुर भितर मध्यरे लैंडफॉल करिवार गुलाब लैंडफॉल करिवार सूचना रही किंतु जदि एथिकार वास्तव स्थिति को परखीबा ताले देखंतु लगातार पाखापाखी आठ रु सात घंटा धरी लगातार वर्षा होबार लगी जहाँ को लेकिन जो आंध्र प्रदेश जो प्रशासन रही जो समुद्र कूलिया जितके भी लोक थे कि जो मैंने जो धीवर मैंने थे जो मैं बोट डंगा नहीं कि जो मैंने माछ धरिया को समुद्र भितर को जाते से डाकबाजी द्वारा से मना करा जाई समुद्र भितर को जीवा ता सहित जो बेलाभूमि की लागे कि जे सब टूरिस्ट लॉज थिले सेठिकार लोक को मना करा जाई सेठी मध्य लोक को स्थानांतरित करा जाई लॉज मालिक मन को मध्य स्ट्रिक्टली कहा जाई कि बात्या जो गुलाब लैंडफॉल करला पर्यंत कौनसी लोक को समुद्र कूल अंचल कौनसी लॉज वाला भी रखी पारे ना होटल वाला रखी पारे ना जहाँ को लेकिन प्रशासन तरफ जिते भी पाख आखपाख निकटर गाँ लोक अच्छा से स्थानांतरित कर दृश्य देखिथिलु आपण सीधा देखि परथे लगातार समुद्र जो जलस्तर रही लगातार बढ़िया को लगी वर्तमान जो लहड़ी मध्य रही भी तीव्र हबार लगी तो निहत भाव जो जो पवन जो पाणीपाग विभाग तरफ जो सूचना दि जाऊला कि संध्या साढ़े पांच सुधा यह लैंडफॉल कर बेग पाखापाखि शहे रु 150 किलोमीटर हबार लैंडफॉल कला बेलू हबार संभावना देखा माधुरी से संभावना को दृष्टि रखी प्रशासन पक्ष प्रस्तुति सीधा गजपति नहीं जाऊँ गजपति अच्छा रिपोर्टर जितेन्द्र पारिक वर्तमान जितेन्द्र पाणीपाग सेठारे किभली देखुछंते गजपति एवं गंजाम को जेहेतु रेड वार्निंग दिया जाइछि तो सेठारे पाणीपाग किभली देखुछंते देखु माधुरी सका सका झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो गजपति जिलार समस्त ब्लक में प्राय बस्ता झिपिझिपि आरंभ हो प्रशासन पक्षर जो भाई व्यवस्था कर 24 घंटिया इमरजेन्सी रूम कर जो जहाँ असुविधा जदि हुए ताले प्रशासन को जनवाई परवर्त समय एनडीआर ओड्राफ और एनडीआरएफ तीन तीन टीम आसी गजपति में पहुँची सारे एवं जिला प्रशासन जो भाई भाव में बड़ जो उपरस्थ अधिकारी कहु सब कलेक्टर एडीएम पी आई टी पीडी ए सबू किपर भाव सुरखुरी भाव में हो पार और गर्भवती माँ कथा कह जाऊ छोट छुआ कथा कह जाऊ से नहीं जिला प्रशासन से मानक गोटे अस्थायी बात्यास्थल में रखार व्यवस्था कर गत काली 756 रु 800 लोक को स्थानातर कराला पहाड़िया जंगलिया अंचल जो मैंने रोचा कि नदीकूलिया अंचल जो मैंने से बर्तमान सुधा जिला प्रशासन पक्ष सिफ्ट कर सुरक्षित स्थान को प्रत्येक पंचायतर हेडक्वार्टर पंचायत कहा जाओ कि स्कूल प्रत्येक स्कूल को गोटे गोटे नोडाल अफिसर रखा जाए सरपंच मैंने से दायित्व में सरपंच मान दायित्व जो जो लोक मान घर पूरा ठीक नहीं
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ନଦୀକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆମେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ସାରା ବାଡ଼ିଗାଁ ପାଲଚିଂ ଏପରି ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି ଯାହା ନଦୀର ପୁରା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ହୁଏ, ଯଦି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବା 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯିବା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ADM ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ PO ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ଖସିବ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଧସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ। ଏବଂ ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁମା ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଗୋପାଳପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପିତାମ ନାହକ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋଦି। ଏବେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ହେବେ ଛାନିଆ, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 76ତମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟୁ ଏସ୍କର୍ଟ ହିଜ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି। ନମସ୍କାର ସାଥିଓ, ବିଶ୍ୱର ମହାମଞ୍ଚରୁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 76ତମ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ, ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ବିଶ୍ୱର ନିରାପତ୍ତା ଦିଗରେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆତଙ୍କରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। ସେହିପରି ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ନିହିତ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଭାରତ,
ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ବୁଝାଇଥିଲେ ମୋଦି। ଭାରତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭାରତରେ ବାସହୀନ ପରିବାରକୁ ବାସଘର ମାଲିକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। 17 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। 7 ବର୍ଷରେ 43 କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ ବିଶ୍ୱ କା ହର ଛଠା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ହେ। ଜବ ଭାରତୀୟ କି ପ୍ରଗତି ହୋତି ହେ ତୋ ବିଶ୍ୱ କେ ବିକାଶ କୋ ବି ଗତି ମିଲତି ହେ। ୱେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୋଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଜ୍। ୱେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫର୍ମସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମସ୍। ଭାରତ ମେ ହୋ ରହେ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଇନୋଭେସନ୍ସ ବିଶ୍ୱ କି ବହୁତ ମଦତ କର ସକତେ ହେ। ହମାରେ ଟେକ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କା ସ୍କେଲ ଆର୍ ଉନ୍କି କମ୍ ଲାଗତ ଦୋନୋ ଅତୁଲନୀୟ ହେ। ସେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଦିନକରେ 1 କୋଟି ଟିକାକରଣର ରେକର୍ଡ ଭାରତ କରିଛି। ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ଟିକା ଭାରତ ତିଆରି କରିଛି। कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और एमआरएनए वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। ଇକୋନୋମି ଇକୋଲୋଜିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପଂକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କାମ କରିଚାଲିଲେ ସୁଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଯାହା ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मपोथे धोरो निर्भयोगान शोभ दुर्बल सौन्योष होक अभोषान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଯୁବ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ନେହା ଦୁବେ। ସ୍ନେହାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିବା କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 76ତମ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 2019ରେ ଭାରତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଜାତିସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସଚିବ ସ୍ନେହା ଦୁବେ। ଏପରି କଡ଼ା ଜବାବ ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାବଦରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ସଚିବ।
या सहित पाकिस्तान किपर भारत में आतंकवाद चलाइबा सहित निज देश में आतंकवादी को प्रश्रय और तालीम देउछि से बाबतरे कही विश्व समुदाय आगे से ही देशर मुखा खोली सचिव स्नेहा दुबे। अमेरिका गस्तर तृतीय दिन में ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट को संबोधन करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो जरिया रे एही इवेंट को संबोधन करिथिले प्रधानमंत्री। ग्लोबल सिटीजन हेउछि एक ओकिलाती संगठन जहां दारिद्र्य दूर करने को कार्य करुछि। एही इवेंट 25 रु 26 तारीख जाए अनुष्ठित हेबो एवं एहा सह 120 देश में एकाधिक सोशल मीडिया चैनल रे प्रसारित हेउछि। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोविड मुकाबला और दारिद्र्य दूरीकरण ने वार्ता देथिले। ग्लिम्सेस ऑफ दिस कलेक्टिव स्पिरिट व्हेन अवर कोविड 19 वॉरियर्स। तीन दिनिया अमेरिका अगस्त सारी भारत फेरुछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फेरिपा समय रे प्रधानमंत्री को विदाई जणाइबा को एकाठी होइतिले बहु संख्यक भारतीय। विमान बंदर को जिपा समय रे सुनिबा को मिलितिला भारत माता की जय ओ मोदी मोदी नारा। विदाई समय रे अमेरिका सरकार पक्ष प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान करा जायछि भारतीय संस्कृति सम्बन्धीय 157 टी कलाकृति। कांस्यर नटराज मूर्ति, टेराकोटा फूलदानी सह हिंदू बौद्ध और जैन धर्मर विभिन्न मूर्ति को सांगरे नै भारत फेरुछन्ते प्रधानमंत्री।